हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 12 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और परीक्षा में दोस्तों हूबहू आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए सर्वाधिक संख्या में आपको टेस्ट देना है। दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा उठाना है। और अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रिट लेवल 2 SST मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 12 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपन भाग एक पढ़ेंगे और इस भाग एक के अंदर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित ये 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है? दोस्तों, धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठार, आर्कियन विंध्यन क्रम विस्तारित भाग, सेल समूह है, धरातलीय लक्षण है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही है, ये भौतिक विभाग के लक्षण है। दूसरा देखिए, इसमें भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का मैदान, सेल समूह है रायलो क्रिटेशस क्रम, धरातलीय लक्षण तेतीस सागर के अवशेष के रूप में, ये भी बिल्कुल सही कथन है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर का, भौतिक विभाग अरावली सेल समूह है अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर का, भौतिक विभाग उत्तर पूर्वी मैदान सेल समूह है दक्कन लावा विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षद्वीप सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग। तो दोस्तों, अपना चौथा नंबर का इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 1, 2, 3 इसमें क्या है, सत्य है, ठीक है। यह आपको इसमें याद रखना है, राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी मैदानी भाग, मरुस्थल, तेतीस सागर के अवशेष और दोस्तों अरावली और साथ में हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियां। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, कालीबंगा से दोस्तों आप सभी को पता है जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बताइए कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, बताइए कौन सी नदी के किनारे, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है घग्गर यानी कि सरस्वती नदी के किनारे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चार नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं, बताइए डूंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलें हैं ये, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पांच नंबर का प्रश्न है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए मथुरा है वो सूरसेन जनपद की राजधानी थी, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सिक्स नंबर का प्रश्न है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें तापमान, कौन सा है, तापमान। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, तापमान। नेक्स्ट आगे देखिए सात नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमता बकायत होता है जो, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमता बकायत होता है जो, बताइए जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहां पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आठ नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जोधपुर से आठ किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया,
बताइए दोस्तों, कायराना झील का निर्माण किसने करवाया जोधपुर में? राइट आंसर हो जाएगा सर प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? सर प्रताप सिंह ने। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। 15.86 मिलियन एकड़ फुट। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, उस संख्या का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। उस संख्या का नाम बताइए जिसका गठन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परोपकारिणी सभा। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों परोपकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1883 में की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फरवरी 2010 में दोस्तों पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ नौ रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाण के किले पर तिरंगा फहरा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया, यहां जैसाण का अर्थ क्या है? ये तो सभी को बता होगा दोस्तों, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ नौ रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे। तो दोस्तों यहां पे जैसाण का अर्थ क्या है? जैसाण का मतलब क्या मतलब होता है? जैसलमेर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जैसलमेर। तो यहां पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? दोस्तों राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 27 वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान में। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था, बताइए प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना, ये था दोस्तों प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? बताइए किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़ में। ठीक है, यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया क्षेत्र में आप सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है ये 18 मार्च 1948 को किया गया। इसमें दोस्तों चार रियासतें हैं वो शामिल की गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हवा महल का निर्माण करवाया गया, दोस्तों हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1799 ईस्वी में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः है, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः क्या है? दोस्तों ग्रामीण और शहरी की बात करूं मैं यहां पे, तो दोस्तों देखिए ग्रामीण की है इसमें कितनी, तो दोस्तों 61.44% तो इसमें क्या है ग्रामीण की है, और शहरी है दोस्तों इसमें 79.68, यह है दोस्तों साक्षरता ग्रामीण और शहरी की। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां दोस्तों राजस्थान में कहां पर स्थित है? बताओ दोस्तों, बच्छावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहां पर, तो ये बीकानेर में स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में स्थित है दोस्तों ये। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कितनी रही महिला साक्षरता की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों 52.66% रही, ठीक है, 52.66%। तो यहाँ पे आप दोस्तों 52.66% कर लेना, ठीक है, यहाँ पे महिला साक्षरता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली स्थित है, झाला की हवेली कहां पर स्थित है? दोस्तों ये झालावाड़ में है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कहां पर है, तो ये दोसा में है दोस्तों, चांद बावड़ी। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आबानेरी दोसा में है। आगे देखिए, राजस्थान की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? राजस्थान की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ का दोस्तों, एक सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? राजस्थान के अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है जिलानी माता। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिलानी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? राजस्थान में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें हम सिडो। कौन सा है? हम सिडो। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रावण माह में निकाली जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को दोस्तों ये सवारी निकाली जाती है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है, ठीक है। देखिए राजस्थान में पोमचा कहते हैं, राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो दोस्तों पोमचा क्या किसको कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को दोस्तों राजस्थान में पोमचा कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से था? बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दादू पंथ के साथ में था दोस्तों। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादू पंथ, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है तो वो कौन सी है? दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है तो वो है मीणा। कौन सी है? मीणा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मीणा। आगे देखिए, गोना रस्म किससे संबंधित है? गोना रस्म किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गोना रस्म है ये विवाह से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी परशुराम देव ने की थी। किसने की थी? परशुराम देव ने। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, परशुराम देव ने। आगे देखिए, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई, राजस्थान में इको टूरिज्म नीति जारी की गई। तो दोस्तों ये नीति जारी की गई, ये जुलाई 2021 में ये नीति जारी की गई, राजस्थान में इको टूरिज्म नीति। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उषा शर्मा, ठीक है। उषा शर्मा है ये वर्तमान में मुख्य सचिव हैं राजस्थान की। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर में, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में वर्ष 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? बताइए, राजस्थान में वर्ष 2015-16 में महिला भूमि जोतों के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों ये वृद्धि हुई है 24.44% की, इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब यहां पे अपन देखिए भाग सेकंड शुरू कर रहे हैं, भाग
सेकंड दोस्तों इसमें शुरू कर रहे हैं, और भाग सेकंड के अंदर दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 36 से लेकर और 65 तक। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो दोस्तों इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 6 महीने के भीतर भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा उसका 6 माह के भीतर विधानमंडल हेतु निर्वाचन किया जाए, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कार्य जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में किए गए कार्यों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोषागार एवं उपकोषागार का पर्यवेक्षण, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहां और कब हुई? बताइए राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कब और कहां हुई? तो दोस्तों ये हुई थी माउंट आबू में, नगरपालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, चाकसू में गुहिल राव तालाब की सीढ़ियों पर स्थित शिलालेख है किस भाषा में उत्कीर्ण है? चाकसू में गुहिल राव तालाब की सीढ़ियों पर स्थित शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संस्कृत भाषा में ये उत्कीर्ण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा में। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का है? राजस्थान में किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का है? राइट आंसर हो जाएगा गुजर प्रतिहार शैली का है दोस्तों ये किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों वो है विजय स्तंभ। कौन सा है? विजय स्तंभ, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान सेवा नियम 1951 की कौन सी धारा जोड़ी गई जिसमें पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया? बताइए राजस्थान सेवा नियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई जिसमें पितृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धारा 103A ये जोड़ी गई थी दोस्तों इसमें। ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, याद रखना। ठीक है 15 दिन का अवकाश दिया जाता है दोस्तों इसमें। आगे देखिए दोस्तों जन्म से पहले और जन्म के बाद में, आगे देखिए यहां पर 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान बजट 2022-23 की गई घोषणाओं के संबंध में असंगत कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए जयपुर जोधपुर व कोटा में राजीव गांधी नॉलेज साइंस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों अब इसमें देखिए अपने को क्या करना है, अपने को दोस्तों यहां पर बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। तो ये तो बिल्कुल सही है, जयपुर जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज साइंस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। दूसरा देखिए बीकानेर जयपुर उदयपुर में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों यहां पे मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये गलत दे रखा है इसमें, विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे बीकानेर जयपुर उदयपुर। ठीक है बीकानेर जयपुर उदयपुर में विज्ञान केंद्र स्थापित करने की दोस्तों यहां पर किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों इसमें आगामी वर्ष में 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है यहां पे अपने को असंगत बताना था तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सी, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो ब्यावर में है। ठीक है तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द यानी कि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर की ये प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस अधिनियम व नियम 2011 राज्य के सभी जिलों में कब लागू किया जा चुके हैं?
राजस्थान एंटरप्राइजेज सिंगल विंडो इनेबिलिंग एंड क्लियरेंस अधिनियम व नियम 2011 राज्य के सभी जिलों में कब लागू किया जा चुके हैं? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है इसमें 1 अप्रैल 2011 से, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से पूर्ण रूप से शुरू की गई है? प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से पूर्ण रूप से शुरू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 मई 2022 से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के तहत 60 वर्ष से अधिक किंतु 75 वर्ष से कम तथा 75 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर बढ़ाकर क्रमशः की गई है, यानी कि पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 1000 रुपए और 1500 रुपए इसमें पेंशन की गई है। 60 से 75 वर्ष के लिए 1000 और 75 वर्ष की आयु से अधिक के लिए 1500 रुपए की पेंशन कर दी गई है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों। इसमें देखिए इसकी स्थापना के समय यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था, बिल्कुल सही है। अप्रैल 1977 में इसे उदयपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। 1987 में यह संस्थान श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधिकार में चला गया, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सारे के सारे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी, बताइए। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विश्वास प्रस्ताव को। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पालनहार योजना से संबंधित नहीं है, बताइए पालनहार योजना किससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवल अल्पसंख्यक बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी जाति के अनाथ बच्चों के लिए है। योजना राशि पालनहार को प्राप्त होती है, अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु ये प्रारंभ होती है, ठीक है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है ये, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय उरुष्ट अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, यानी कि ऊंट, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, याद रखना, ठीक है। जोहड़बीट बीकानेर में इसकी स्थापना की गई। आगे देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च निकाय माना जाता है तो वो कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बोलूँ तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना
किसकी सिफारिश के बाद प्रारंभ हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हटोंग समिति। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा हटोंग समिति की सिफारिश के आधार पर। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 से 12 तक ही किया जाता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अनुभाग नहीं है। निम्न में से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अनुभाग नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, अकादमी निर्देशन अनुभाग, ये नहीं है दोस्तों राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया होता है। सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन होता है? सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा का मुखिया है वो शासन सचिव होता है। कौन होता है? शासन सचिव। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर आरटीई 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? आरटीई 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? दोस्तों ये पेश किया गया राज्यसभा में पेश किया गया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा में पेश किया गया। आगे देखिए, किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का आरटीई में क्या प्रावधान किया गया है? किसी बालक को प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का आरटीई में क्या प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 3 माह का। ठीक है, 3 माह के लिए ही प्रावधान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख है। बताइए, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख है, तो बताइए कौन सी धारा में इसका उल्लेख है? इसका उल्लेख है दोस्तों धारा 11 में। धारा 11 में इसका उल्लेख है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आरटीई 2009 परिणाम है। आरटीई 2009 परिणाम है तो ये किसका परिणाम है दोस्तों? ये देखिए, संविधान संशोधन 86 वा हुआ था उसका परिणाम है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 क को लागू करने का परिणाम है, बिल्कुल सही है। शिक्षा सबके लिए का परिणाम है, बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आरटीई 2009 लागू करने के 3 वर्ष के अंदर ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जाएं जहां कोई स्कूल नहीं है, इससे संबंधित तथ्य नहीं है। आरटीई 2009 लागू करने के यानी कि लागू होने के 3 वर्ष के अंदर ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जाएं जहां कोई स्कूल नहीं है, इससे संबंधित तथ्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कक्षा 5वीं में 20 बच्चे होने पर इसे यूपीएस खोला जाए। तो यहां पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा, ये तथ्य नहीं है। 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल, 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्तर और स्कूल, और 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों की संख्या 20 होने पर, ठीक है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। लेकिन डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें गलत दे रखा है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह है कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? सभी को पता होगा दोस्तों, राज्य पक्षी गोडावन है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पशु चिंकारा है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है, जोधपुर को। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कब हुआ? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शुभारंभ हुआ 20 अगस्त 2022 को। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अपन ने 30 प्रश्न है वो भाग 2 के अंदर अपन ने पढ़ लिए हैं। अब भाग 3 शुरू हो रहा है और सामाजिक अध्ययन से संबंधित अब अपन यहाँ पे 60 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है बताइए?
सभी को पता होगा दोस्तों, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल व कितने सूक्त हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10 मंडल और 1028 सूक्त है दोस्तों। 10 मंडल और 1028 सूक्त है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये परिभाषा दी गई दोस्तों किसके द्वारा? तो ये मैकाइवर द्वारा और पेज द्वारा, दोनों के द्वारा दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों इसमें सत्य है। आगे देखिए, अंतिम चार तीर्थकरों व उनके प्रतीक चिन्हों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, महावीर का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों सिंह है। ठीक है, पार्श्वनाथ का दोस्तों यहाँ पे हाथी दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए ऋषभदेव का वृषभ है, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे नेमीनाथ का है नीलकमल, और अरेस्टी नेमी का है दोस्तों इसमें शंख है, और पार्श्वनाथ का दोस्तों इसमें कौन सा है तो दोस्तों स्वास्तिक है, सॉरी सर्पफण है। कौन सा है? सर्पफण। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है प्रतीक चिन्ह भी, सर्पफण। ठीक है, सर्पफण है, ये पार्श्वनाथ का दोस्तों प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पे हाथी है वो गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, हाथी है, ये अजीत नाथ तीर्थकर का प्रतीक है ये हाथी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ये ऋषिपत्नम में दिया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ऋषिपत्नम, यानी कि ये सारनाथ का प्राचीन नाम था। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे अगर सारनाथ होता तो सारनाथ सही होता। ठीक है, ऋषिपत्नम की जगह, और सारनाथ नहीं है तो दोस्तों सारनाथ का ही दूसरा नाम है ऋषिपत्नम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक कौन था? महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो था शिशुपाल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिशुपाल था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कूटभाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, कूटभाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, आपने दोस्तों एक नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, एक झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, तो इनमें से ही करवाया था, और किन इनमें से दोस्तों उसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। तो यहां पर ये चारों के चारों है, ये बिल्कुल सत्य है इसमें, इन्होंने इन सभी ने जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। ठीक है, आगे देखिए, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? यानी कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा है वो किसने दी थी? ये दी थी दोस्तों उपगुप्त ने। किसने दी थी? उपगुप्त ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, अकबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? अकबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो वो है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लाल कुर्ती संघ के संस्थापक कौन थे? लाल कुर्ती संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मीर आतिश। मीर आतिश, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मीर आतिश। नेक्स्ट आगे देखिए, बंगाल विभाजन
कब किया गया दोस्तों, बंगाल विभाजन का विभाजन कब किया गया, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 1905 में हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1905 में। आगे देखिए, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती है दोस्तों, बताइए संयुक्त बैठक है वो दोनों सदनों की कब आयोजित की जाती है दोस्तों, जब कोई विधेयक पर दोस्तों मतभेद हो, ठीक है, तब दोनों की संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या है मतभेद हो, ठीक है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है केशवानंद भारतीवाद, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के पहले राज्यपाल दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा राजस्थान के पहले राज्यपाल का नाम क्या है, तो वह है श्री गुरुमुख निहाल सिंह, श्री गुरुमुख निहाल सिंह ये दोस्तों राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पंचायतों की अवधि है, बताइए दोस्तों पंचायतों की अवधि है वो कितनी, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 5 वर्ष। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए दोस्तों, न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश के द्वारा विवादों को समाप्त करवाने के लिए हमारे देश में लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है तथा निर्धारित कार्यक्रमानुसार लोक अदालतों को स्थानीय स्तर पर भी लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब पिछड़े व असहाय लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, जिले में मुख्यतः 5 प्रकार के न्यायालय कार्यरत है, ये दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, तो यहाँ पे चौथा नंबर का क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, 5 प्रकार दे रखे हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3 क्या है इसमें सत्य है, 1, 2, 3 इसमें क्या है सत्य है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित के रूप में हुई, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है सत्य है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। आगे देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी कि सीधा समय अगर बोलो तो बताइए संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है, राइट आंसर हो जाएगा ये कनाडा से ली गई है, ठीक है, कहां से कनाडा से, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों कौन सा कथन सही है राइट आंसर हो जाएगा इसमें वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है तो ये गुजरती है दोस्तों भारत मिस्र माली इन तीनों क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो दोस्तों मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी हैं, मतदाता
मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि का अधिकार प्रदान करते हैं, बताइए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि का अधिकार प्रदान करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों देखिए, यहां पर अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, ये सभी दोस्तों राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि का अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4 चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, वर्तमान में किस राज्य की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कितनी विधायक बनी है महिला? तो दोस्तों 47, याद रखना 47 है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर है लघुतम ज्वार आता है जब, लघुतम ज्वार आता है जब, जब पृथ्वी के अंदर में, सॉरी पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा चतुष्कोणक होते हैं तब लघुतम ज्वार आता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयोसिवो और कैलिफोर्निया धाराएं। यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, बताइए सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अफ्रीका में सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में दुग्ध पाउडर का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान में दुग्ध का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बूंदी में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मृदा के उपयोग के बिना खनिज पोषक तत्वों की उपस्थिति में जल में कृषि कहलाती है, मृदा के उपयोग के बिना कृषि पोषक तत्वों की उपस्थिति में जल में कृषि कहलाती है, तो वो कौन सी कहलाती है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स है ये बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वोल्वो मोटर वाहन उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? वोल्वो मोटर वाहन उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है स्वीडन का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वीडन का। आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रैयत बाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई थी? अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की रैयत बाड़ी प्रणाली किस किस प्रेसिडेंसी में पूर्णतः लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है विश्वविद्यालय अध्यापन, विश्वविद्यालय अध्यापन। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए आय की विषमताओं में वृद्धि, विकासशील एवं अविकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्थानीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा, पर्यावरण को क्षति पहुंची है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में उदारीकरण का संबंध किससे नहीं है? भारत में उदारीकरण का संबंध किससे नहीं है? तो दोस्तों वो हरित क्रांति से नहीं है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरित क्रांति से नहीं है। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन ने जिस विश्व व्यवस्था का स्थान लिया, विश्व व्यापार संगठन ने जिस विश्व व्यवस्था का स्थान लिया, तो किसका स्थान लिया था दोस्तों विश्व व्यापार संगठन ने? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गेट का स्थान लिया था, गेट का स्थान लिया था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, TRIPS के अंतर्गत आता है, TRIPS के अंतर्गत आता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम आता है,
ठीक है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधि है और ये विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित है, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्नपूर्णा भंडार योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल में, यानी कि स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो है 6 से 14 वर्ष, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। आगे देखिए, राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा वो है 4 सितंबर 2018 को, 4 सितंबर 2018 को, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृषि उपज मंडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कृषि उपज मंडी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, इन बाजारों का विनियमन विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये मंडियां बिचौलियों से किसानों का बचाव करती है, बिल्कुल सही है। ये जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में शामिल है, राष्ट्रीय विकास की अवधारणा में क्या शामिल है? तो दोस्तों, कृषि उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, शैक्षिक अवसंरचना का विकास, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए, यदि GNPMP बराबर 10 करोड़, मूल्यह्रास 2 करोड़ रुपए हो तो NNPMP होगी? तो दोस्तों बताइए, दोस्तों GNPMP माइनस मूल्यह्रास बराबर, दोस्तों यहां पे NNPMP निकल कर आ जाएगी, यानी कि 10 करोड़ में से 2 करोड़ गए तो कितने बचे, 8 करोड़, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1990 में, यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1990 में। आगे देखिए, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है, तो दोस्तों वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति की हानि से सुरक्षा, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को देता है, वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति की हानि से सुरक्षा, ये अधिकार देता है दोस्तों, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है, बताइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता में शामिल है, तो उपभोक्ता में क्या शामिल है बताइए, और कूटबा समय अपने को उत्तर देना है। देखिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले कोई वस्तु क्रय करता है, बिल्कुल सही है, ये उपभोक्ता में आता है। वह व्यक्ति जो प्रतिफल के बदले किसी सेवा को हायर करता है या प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही है। वस्तु के क्रेता या सेवा के प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीन तो सत्य है, चौथा देखिए, अपने वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु वस्तु या सेवा को प्रतिफल के बदले क्रय करता है या प्राप्त करता है, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। वस्तु के क्रेता या सेवा के प्राप्तकर्ता की अनुमति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3 इसमें क्या है, सत्य है, बाकी चौथा इसमें गलत दे रखा है, तो यहां पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि RBI। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेटी गतिजन्य वायुदाब की पेटी के अंतर्गत आती है, बताइए, अच्छा प्रश्न है।
दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पेटी गतिजन्य वायुदाब की पेटी के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहां पे मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट। एक तो है उपोष्ण वायुदाब की पेटी और एक है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये दोनों दोस्तों गतिजन्य वायुदाब की पेटी के अंतर्गत आती है, बाकी ये भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ये गलत दे रखा है। यहाँ पे 2 और 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा में इसका उत्तर देना था, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुक्ताभ मेघों की जननी वायुमंडल की किस परत से मिलती है? मुक्ताभ मेघों की जननी वायुमंडल की किस परत में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा। तो वो है सौभमंडल में, यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा सौभमंडल में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वयं सहायता समूह है कि अवधारणा का प्रारंभ किस देश में हुआ, कौन से देश में हुआ? ये हुआ था दोस्तों बांग्लादेश में, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही, बांग्लादेश में। आगे देखिए, बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में जमा की गई राशि को कहते हैं, बैंक द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में जमा राशि यानी कि जमा की गई राशि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों साख जमा कहते हैं, क्या कहते हैं? साख जमा। आगे देखिए, यहाँ पे तराइन के युद्धों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तराइन तराइन के युद्धों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा। तो वो है पृथ्वीराज रासो में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पृथ्वीराज रासो में। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए दोस्तों, अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए उत्तर, बताइए उत्तर में कौन सा है? उत्तर में दोस्तों स्वर्ण भूमि है, महेंद्र महेंद्र है दोस्तों, किसको? लंका, ठीक है। रक्षित रक्षित है दोस्तों वनवास, और महादेव है महिष मंडल, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 4 2 3, 1 4 2 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मेवाड़ का दानवीर व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भामाशाह, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? राजा की आकृति से युक्त सिक्के किसने चलाए? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जहांगीर ने, सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक बीजी तिलक ने लिखी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। मैं आपको बताऊं यहां पर तो दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक की रचना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत के उपराष्ट्रपति को। आगे देखिए, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में बताना है अपने को, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पे भारत के संविधान में उपबंध की भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। आगे देखिए, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें दोनों ही कथन है वो क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन बताना था, दोनों ही गलत है, न तो एक और न ही दो सही है इसमें, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन होती है, तो वो कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यापारिक पवने होती है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यापारिक पवने। आगे देखिए, जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राइट आंसर हो जाएगा संभागीय आयुक्त को सौंपते हैं, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भाग 4 शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित है ये, ठीक है। भाग 4 इससे संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, 126 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन अर्थात क्या होता है?
दोस्तों मापन प्लस मूल्य निर्धारण, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो है दोस्तों देखिए सत्य असत्य प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, वर्गीकरण है, यहां पे देखिए प्रत्यास्मरण प्रश्न, ये नहीं है दोस्तों, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आप आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं, दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्यक्ष विधा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व कौन सा है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है माध्यम और अप्रत्यक्ष दोनों है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे कैसे, आप देर से आने वाले छात्र की समस्या का समाधान करेंगे कैसे, उसकी देरी से आने का कारण जानेंगे, उसके देरी से आने का अपन क्या करेंगे, कारण जानेंगे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सामाजिक वातावरण की गहन सेवा को विकसित करने में मदद करता है, यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वस्तुनिष्ठता, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए प्रयुक्त करने के नियम कहलाते हैं, विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए प्रयुक्त करने के नियम कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिक्षण की मैक्सिमस सूत्र, दोस्तों शिक्षण की मैक्सिमस सूत्र, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है, नवीन संकल्पना कौन सी है, तो वो है मानवीय संबंधों का अध्ययन व समाज को श्रेष्ठ बनाना, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, भाग 5 शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न है, ठीक है, और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का अपने को क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें सही कथन है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र बालक होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र बालक होता है, बिल्कुल सत्य कथन है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि द्वारा होती है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि द्वारा होती है, किसके द्वारा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होती है दोस्तों आनुवंशिकता, वातावरण और की अंतःक्रिया द्वारा, ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वातावरण की अंतःक्रिया और आनुवंशिकता के द्वारा होती है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वातावरण की अंतःक्रिया और आनुवंशिकता के द्वारा, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तकें किसने लिखी, तो दोस्तों ये पुस्तकें किसने लिखी, तो दोस्तों ये लिखी थी जे एस प्लांट ने लिखी थी, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पीयरमैन का सिद्धांत, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्टेनले होल के अनुसार दोस्तों किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव व तूफानों विरोध की अवस्था है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व कौन सा है, तो वो है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 142 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है, वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है, दोस्तों इसमें देखिए सही कौन सा कथन है, देखिए सृजनात्मकता होने के लिए प्राय
औसत बुद्धि से अधिक होनी चाहिए। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है, तो वो शब्द है दोस्तों परिवर्तन। कौन सा है? परिवर्तन है। नेक्स्ट आगे देखिए मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया था, मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? यह सिगमंड फ्राइड ने किया था दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, सिगमंड फ्राइड ने। अब दोस्तों यहां पे देखिए भाग 6 सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। देखिए 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है, 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा 1024 के बिट के बराबर, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था तो कौन सा काल था? वो था दोस्तों वर्ष 1955 से 1964, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धीमे होते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो वो है वर्म डिस्क है, ये ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है याद रखना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे लन का पूरा नाम क्या है, LAN का पूरा नाम, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा लोकल एरिया नेटवर्क है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए 13 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट लेवल 2 SST मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यार्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।